हालेलुया, स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी द्वारा लिखा गया है। ऊंचा होने का तरीका, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 41 उसके 41 आयत में लिखा, फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। मेरे प्रियो, ऊंचा होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी के मददगार बनना और समस्याओं को हल करना। बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि यूसुफ जब जेल में था तब वह वहाँ बैठकर रो नहीं रहा था कि परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी योजना के लिए चुना पर मैं तो जेल में बंद हो गया। नहीं, वह रोया नहीं और ना ही वह इस तरह बोला। उसको जेल में कोई भी काम करने को बोल देते थे तो वह उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करता था। फिर एक दिन उसे जेल का अधिकारी बनाया गया और उस जेल में ही उसको राजा के खिलाने हारे और पिलाने हारे का प्रधान मिले और उसने उनके स्वप्नों का अर्थ बताया। मेरे प्रियो, वह जेल में ही ऊंचा किया गया और फिर मिस्र देश में भी ऊंचा किया गया। वह मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। यह इसलिए हुआ क्योंकि वह लोगों की मदद करने वाला, समस्याओं का हल करने वाला व्यक्ति था, इसलिए वह ऊंचा किया गया। मेरे प्रियो, आज कुछ लोग ऐसे हैं, उनको पता है कि उनके रिश्तेदारों के बच्चे व्यभिचार में हैं, पाप में हैं, पर वह कभी भी उनको वचन के बारे में नहीं बताते और ना ही उनको सुधारने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर ये नहीं है कि उनकी मदद की जाए कि वह पाप से बाहर आए, पर आप ऐसा नहीं सोचते, इसलिए आप ऊंचे भी नहीं किए जाते। फिर जो प्रार्थना का उत्तर आप चाहते हैं वह आपको नहीं मिलता, पर जब आप किसी को पाप से बाहर लेकर आने के लिए उसकी मदद करने का फैसला करते हैं तो फिर आप ऊंचे किए जाते हैं, फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर भी आता है। मेरे प्रियो, अगर आप उन इंसानों को देखें जो आज ऊंचे स्थान पर हैं, वह वही लोग हैं जिन्होंने छोटे स्थानों में अच्छा और वफादारी के साथ काम किया है, जिन्होंने लोगों की मदद की और समस्याओं का हल किया। ये वही लोग हैं। यूसुफ के अंदर भी यही आदतें थी, इसलिए वह ऊंचा किया गया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप भी ऊंचे किए जाएं, तो आप असरदार बने, समस्याओं का हल करने वाले बने, फिर आप भी यूसुफ की तरह ऊंचे किए जाएंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा की गई इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़ या सुन रहे हैं वह समस्याओं का हल करने वाले बने, ताकि जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को ऊंचा किया, इन लोगों को भी ऊंचा करे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।